नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग DSSB के प्रिपरेशन में जुट चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको यह नोटिफिकेशन देखने वाला है। और यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो PRT में और TGT में, PGT में, सब में कॉमन होता है, पार्ट ए। पार्ट ए में आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आपको प्रयास करेंगे कि आपको बताएं, जिससे आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें तो आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। चलिए, इसके बाद हम लोग पार्ट बी में देखेंगे पेडागॉजी में कितने टॉपिक्स हैं, पहले पार्ट ए देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी भी इसी तरह से देखेंगे। चलिए आ जाइए, पहले देखिए आपको पता होना चाहिए पार्ट ए में 20 नंबर का रीजनिंग आता है, मैथ भी 20 नंबर का होता है, 20 नंबर की इंग्लिश होती है, 20 नंबर का हिंदी होता है और 20 नंबर का GK GS और करंट अफेयर होता है, ठीक है ना। तो जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं ये टॉपिक तो आपके सिलेबस में मेंशन हैं ही, इसके इससे ज़्यादा अगर आप इसको कवर कर लेते हैं इतने टॉपिक्स, तो इससे ज़्यादा भी कवर करने का पूरा भरपूर प्रयास करना कि एक दो टॉपिक हम डेली, मतलब कि जो आपका लूसेंट है कम से कम उससे तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मतलब उसमें एक भी टॉपिक हम छोड़ कर नहीं जाएंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ कर जाएंगे। जिससे बाय द वे अगर सिलेबस से थोड़ा सा एक दो टॉपिक इधर उधर से कहीं भी आते हैं, कहीं से भी आ जाए तो उसको भी हम अटेम्प्ट कर सकें और दूसरे से अच्छा एक तरह से अपना प्रदर्शन कर सकें। देखिए, इसमें भी आपके 100 नंबर के पेपर होंगे, आपको पता है 100 नंबर का पेपर होगा पार्ट ए, और इसमें 40% यानी कि 40 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। यही आपको डिसाइड करेगा, 40 नंबर से आप नीचे हैं तब तो पहले ही आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, अगर 40% आपका आ जाता है तो पास माने जाएंगे, फिर आपकी कॉपी आगे चेक होगी। आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं और भी अच्छे नंबर लाते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो सिलेक्शन भी होगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, यह देखते हैं किस पार्ट में कितने चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने बहुत ही आवश्यक हैं। तो देखिए, रीजनिंग है, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। देखिए 20 क्वेश्चन है इससे, यानी कि 20 क्वेश्चन इससे, 20 इससे, 20 इससे, 20 इससे, 20 इससे, तो जाहिर सी बात है टॉपिक कितने हैं रीजनिंग में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 × 3 = 21। हर एक टॉपिक से कम आपको 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ें दिमाग में रखना है। इस वजह से हर टॉपिक्स में हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। इस सीक्वेंस में आ जाते हैं जो सजाने के लिए, कभी आपको वर्ड्स आ गया, कभी आपको सेंटेंस दे दिया, कभी आपको एक डिक्शनरी वर्ड्स दे दिया, इस तरह से सीक्वेंस वाला, और कभी सीरीज वाले भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको याद रखना है हमें। यह भी वेन डायग्राम से आपको 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा ना रैंकिंग हो गया, रैंकिंग ऑर्डर वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लॉगी वाला प्रश्न जिसमें कि आपसे दे देगा कुछ तोते चिड़ी एक तरह से बत्तख हैं, कुछ बत्तख जो है मोर है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके बाद एज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंस है, इससे भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और स्टेटमेंट कंक्लूजन से, कारण और निष्कर्ष जिसे हम कहते हैं, यहाँ से है, यह तो हर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह रहा टॉपिक आपके रीजनिंग का। मैथ में बच्चों देखिए एक चीज़ और, पहले हम देख लेते हैं सिलेबस, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और हम बताते हैं, आप अंत तक बने रहना बस। नंबर सिस्टम में भी हमको पता है कि यहाँ से तीन कितने टॉपिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मान सकते हो 10 टॉपिक है। अगर 10 टॉपिक है तो जाहिर सी बात है एक टॉपिक से के अगर एवरेज निकालें तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न इसमें भी आने वाले हैं आपके, और बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। 2 से 3 प्रश्न मतलब समझ रहे हैं, 2 से 3 नंबर पाने का मतलब यहाँ पे आपका सिलेक्शन भी होगा, आप अच्छे मार्क्स भी पाओगे, आपकी जो रैंक है वह भी बहुत अच्छी बन सकती है। पॉइंट से रैंक अच्छी बनती हैं और रैंक से गिर जाते हैं व्यक्ति, तो एक एक नंबर नहीं पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, LCM SCF हो गया, DI जिसे डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, मेंसुरेशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन सबको हम पढ़ाएंगे फिर से। CISI हो गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हो, साधारण ब्याज यह है सिंपल इंटरेस्ट और यह चक्रवृद्धि ब्याज है। परसेंटेज हो गया यानी प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ हानि जिसे कहते हो, टाइम एंड वर्क हो गया, जिसे आप मजदूर वाला क्वेश्चन आता है ना, टाइम समय वाला, वर्क और समय वाला, काम और समय जिसे बोलते हो, वैसा प्रश्न। इसके बाद देखिए आपका आ जाता है इंग्लिश में इंडियन ईडीएम और फ्रेस हो गया, इसके बाद एंटोनिम्स साइनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके बाद इरर हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने आपके 8 हैं उससे रिलेटेड कुछ इरर्स आ जाते हैं, यह चीज़ें
पी क्यू आर एस, यानी कि यह आपको अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। पी क्यू आर एस रैंडमली दिया रहेगा कुछ सेंटेंस चार, उसको अरेंज करना होगा आपको, सीक्वेंस में लगाना होगा। पैसेज, पैसेज से दो तीन प्रश्न आपको हो सकता है मिले, स्पेलिंग ईरर से दो तीन प्रश्न मिल सकते हैं आपको। तो यह सारे के सारे इंग्लिश के रहे 20 नंबर के। इसके बाद हिंदी, हिंदी यानी कि समास, संधि, तद्भव तत्सम, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे, विलोम और पर्यायवाची, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। इसके बाद भाषा के भेद और पैसेज, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और हर टॉपिक से दो से तीन प्रश्न निश्चित है, याद रखना कोई टॉपिक छोड़ेगा नहीं, वह एवरेजली दो से तीन प्रश्न हर टॉपिक से आने वाले हैं, कम से कम दो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद आर्टिकल्स, देखिए जीके जीएस और करंट अफेयर, इसमें यह फिक्स नहीं होता है कहाँ से कोई चीज़ देता है, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी चीज़ें लिखी थी हमने लिख दिया। और इसके लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट बुक, यह 20 का 20 नंबर आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप लूसेंट पर ध्यान दे देना, लूसेंट पर ध्यान देना। और करंट अफेयर का कोई किसी एक बंदे का सीरीज फॉलो करते रहना आप डेली रेगुलर बेसिस पे, डेली रेगुलर बेसिस फॉलो करेंगे तो करंट अफेयर के तीन से चार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और प्लस लूसेंट अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका जीएस भी तैयार हो जाएगा, यानी कि जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और प्लस ज्योग्राफी आपका, पॉलिटी और प्लस हिस्ट्री भी तैयार हो जाएगा। अगर आप डेली के डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो बात 20 दिन में, 10 दिन में आप कवर कर सकते हो लूसेंट को। बहुत बार पढ़ चुके हो तो मात्र 2 से 4 दिन में भी कवर किया जा सकता है लूसेंट को। तो इस स्पीड से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए आर्टिकल्स हो गया, विटामिन्स हो गए, डायनेस्टी हो गया, पेंटिंग जो हर एक राज्य का है, हर एक स्थानीय पेंटिंग है जो फेमस हो जाता है, थोड़े करंट अफेयर में आ गया तो वह ज़्यादा पूछे जाने की संभावना बन जाएगी। डांस फॉर्म फॉर्मेट हो गया, जितने भी डांस होते हैं हर एक स्टेट के हो गया, स्थानीय डांस हो गए, वह सब सारी चीज़ें। सोलर सिस्टम आपको पता है जो हमारा सौर ऊर्जा है, उसमें जितने प्लैनेट हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। इसके बाद पार्लियामेंट है ना, संसद से रिलेटेड, इसके बाद आपका हार्मोन से रिलेटेड जो कि आपके आ जाता है बायो में। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बायो का पार्ट है। इसके बाद ग्लोब जो कि आपके ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो इतनी चीज़ें हैं आपको समझ में आना चाहिए। और इससे बेहतर यह है होगा कि आप सबसे पहले अपने स्ट्रांग पोर्शन को देखें, इसमें कौन सा मेरा स्ट्रांग पोर्शन है, उस पर इतना पकड़ बना लें ना कि 20 के 20 पूरा का पूरा मिल जाए। जैसे कुछ बच्चों का मैथ स्ट्रांग होगा, रीजनिंग स्ट्रांग होगा, तो इंग्लिश नहीं स्ट्रांग होगा। इन दोनों का तो बात छोड़िए, इन दोनों का सभी का जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आएगा, है ना। हिंदी तो सबको आता है, इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग, जिसको मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश वीक होता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है लेकिन मैथ वीक होता है। तो जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है ना, उसमें कम से कम मुझे 20 में 20 पूरा मिल जाना चाहिए। जैसे अगर इंग्लिश वीक है आपका, तो इंग्लिश में एवरेज मार्क्स 12 से 14, 15, 15 से नीचे नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप गेन करते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है और एक अच्छे मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लाएंगे नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट बी, और कुछ ही दिन में आपके क्लासेस भी रन होने लगेंगे। तो आप लोग तैयारी करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, जिस पे भी वीडियो बनानी है उस पे को भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस पे वीडियो आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद।